हेलो गाइस, अनुपम आईटी आर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया ड्राइंग, जो कि मैं बनाऊंगा एक आई का ड्राइंग, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह बनेगा। मैं ट्राई करता हूँ कुछ इस तरह बनाने का। कैसे मैं इसका आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ स्टेप बाई स्टेप आप देखते रहिए, और शेडिंग भी करूँगा। और इसमें आपको यूज़ करना है मेरी 2B पेंसिल, होगा तो आउटलाइन के लिए ठीक है, और शेडिंग के लिए आप लोगों को चारकोल पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक जैसे लगेगा। और साकुरा का व्हाइट जो जेल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहे और देखते रहे मैं किस तरह इस आई को बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले आप एक स्केल ले लीजिए और आर्ट लाइन का एक 2B पेंसिल ले लीजिए, और इस तरह से एक प्लस मार्क बनाइए जिस तरह मैंने बनाई है, और इसके डॉट ऊपर और नीचे मेज़रमेंट करके दूरियां ऊपर नीचे और साइड बाय साइड सेम टू सेम रहना चाहिए। इस तरह से डॉट कर लीजिए, और देन आपको एक बॉक्स बनाना है जो कि कुछ रेक्टेंगुलर शेप हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनी है। देन मेटल वाला जो पार्ट बॉक्स है उस तरह वहाँ पर एक आई बॉल बना लीजिए, इस तरह से अच्छे से उसको सर्कल करना है पेंसिल का यूज़ करके, ठीक तरह से आउटलाइन बनाइए कुछ इस तरह से। देन नीचे की पार्ट पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह धीरे धीरे से आप लोग पहले आउटलाइन बना लीजिए इस तरह। देन उसके ऊपर जो आई लीफ है वो बना लीजिए, नीचे भी ऐसे बना लीजिए। देन आई बॉल के अंदर जो शेडो दिखता है वो बना लीजिए। देन आई बॉल के लिप पे जो हेयर होता है छोटा छोटा वो बना लीजिए। देन अच्छे से इरेज कर लीजिए, क्योंकि आपको शेडो भी देना है कुछ इस तरह से। शेडो शुरू करिए, आर्ट लाइन का वो जो पेंसिल था वो यूज़ करके 10B पेंसिल यूज़ किया है मैंने 10B पेंसिल यूज करके इस तरह। देन ब्लेंडिंग किया है ब्लेंडिंग स्टम्प से, इस पर मैं कैमलिन का जो सॉफ्ट चारकोल है उससे आई बॉल बनाऊंगा। देखिए किस तरह से आउटलाइन को पहले से घेर लीजिए, देन जो शैडो वाला पार्ट है उससे भी घेर लीजिए। देन चारकोल का यूज करके धीरे से आई बॉल के अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट है उसे अच्छे से इसको फिलअप कीजिए धीरे धीरे से। देखिए किस तरह पेंसिल का यूज करना है कुछ इस तरह। देन कुछ साइड आपको लाइट वाला पार्ट भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आँख की जो अंदर कुछ साइड भी जो लाइट दिखता है उस तरह से बना लीजिए इस तरह से। देन अब फिर से कैमलिन का वो सॉफ्ट सर्कल यूज करके ब्लेंडिंग के बाद फिर से एक बार कर लीजिए जिस तरह से वो थोड़ा बहुत ब्लैक हो जाए। देन आपको जो हेयर है वो चारकोल से ही बनाना है, क्योंकि वो हेयर दिखना चाहिए अच्छी तरह से। हेयर नीचे में बना लिया है, देन ऊपर भी बनाऊंगा उसका। देन आई के जो कोने पार्ट है उस पर भी आप बना लीजिए। देन चारकोल से जो डार्क वाला पार्ट है वो भी फिलअप कीजिए। देन इरेजर से आप इरेज कर सकते हैं ऐसे, अगर आई बॉल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगे तो आप चारकोल से भी उसको साइज कर लीजिए। देन ब्लेंडिंग स्टम्प से, देन साकुरा जेल की यूज करके कुछ आई बॉल का जो लाइट वाला पार्ट है वो बना लीजिए। देन हाईलाइट कीजिए इस तरह साकुरा जेल की यूज से। देन उसके ऊपर जो हेयर है वो अच्छे से बना लीजिए कुछ इस तरह। और सबसे लास्ट आपको इरेजर का यूज करके लाइट करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उस पर दबा देना, और पास में उसके पास में जो घंटी है वो दबा देना, जिससे कि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ड्राइंग पर्पस में। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है।
तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और आप लोग किस तरह के वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस कीप इम्प्रूविंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।